चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट एस एज विपिन सागी चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाईकोर्ट एस एज इंद्रजी महंती चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कोर्ट अमजग ए के श्याम सैयद नेक्स्ट केस चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एस एक नाथ शिंदे और जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोशियारी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बेनर्जी और गवर्नर है सी वी आनंद बोस चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज प्रमोद सावंत और गवर्नर है श्री धागन चीफ मिनिस्टर ऑफ डेरी इज अरविंद केजरीवाल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता ही होगा एंड द गवर्नर इज विनय कुमार सक्सेना नेक्स्ट केस चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कागज उत्तर प्रदेश इज योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर है वो है आनंदी बेन पाटिल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित चीफ मिनिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड इस पुष्कर सिंह धामी एंड गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चीफ मिनिस्टर है वो है सत्यदेव नारायण आर्गर चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इज एन बिगे सिंह और गवर्नर है या गणेश ठीक है अब इम्पोर्टेंट है गौपदी मुर्मू फोर्टीन वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धकार ठीक right है फिफ्टींथ प्राइम मिनिस्टर के नरेंद्र मोदी तुम्हारे फिफ्थ इलेक्शन कमिश्नर राइट नाउ इज राजीव कुमार रैंक फोर्टीन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज गिरीश चंद्र मुर्मू सेवनटीन स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज उत्पल कुमार सिंह स्पीकर है राज्यसभा के आपके जगदीप गंकर, जो राज्यसभा का स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ही होता है जो कि मारे कौन है वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट इज गेपगस स्पीकर ऑफ राज्यसभा इज हरिवंश नरायण सिंह फॉर किंग नाइंथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है काकेश उगे उमेश पीरिक एंड फिफ्थ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज जीवाई जंग चुक नेक्स्ट इज अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया और 15 नंबर इज के के गोपाल एंड 16 अटॉनी जनरल इज आर वेंकट अगमणी ठीक है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कुशार मेहका ठीक नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज आदर्श कुमार गोयल अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे नरेंद्र मोदी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर ऑफ कॉपोरेशन मिनिस्टर दैट इज अमित शाह ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन जयराम बटकरी ओके फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ट्राइबल अफेयर्स इज इजाफ्ट बाय अर्जुन मुंडा

सोनोवल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैिरिराज सिंह सिविल एवियेशन स्किल मिनिस्ट्री एडिशनल चार्ज गिविंग टू ज्योति रदित्य स्ंगिया कॉम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैश्व उसके बाद फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज इज अंगर पशुपति कुमार पारस, जल शक्ति इज अंगल लॉ एंड जस्टिस पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज आंगल राजकुमार सिंह पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज अंगर हरदीप सिंह पुरी हेल्थ केमिकल्स एंड फोर्टिस्ट इज अंगल मनसुख मांडविया इनवारमेंट फॉरस्ट क्लाइम भूपेंग यादव हेवी इंडस्ट्री महेंगे ओके गैरी एनिमल हस्बेंड्री फिश्री इसोकम गोपाल कलचर एंड टूरीज इस जी कृष्ण रेगी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट इस बै अनुराग ठाकुर है आपने पी आई बी की उसमें भी देखा होगा जब पी आई बी की न्यूज इज गिवेन बाई एन समी तो जनरलीस एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन सो हु इज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो है देवाशिष पांडे ओके एंड द हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद चेयरमैन सेबी के कौन है

गिरीश चंद्र चक्रवर्ती वेदी एंड आशीष कुमार चौहान जो है उसके सीईओ है हु इज द सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टैट इज एस एस द चेयरमैन ऑफ नबार्ड दैट इज गोविंद गजु चिंकला फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हेडक्वार्टर है मुंबई एंड महाराष्ट्र विच इज इन महाराष्ट्र हु इज एस चेयरमैन ऑफ सिड् ज एस रमन सिक्बी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका हेड क्वार्टर कहा है इन लखनऊ नेक्स्ट इज इज हु द चेयरमैन ऑफ ऑफ स्टेट बैंक इंडिया कुमार हेड इज इज इन मुंबई हु गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास स्पोर्ट्स न्यूज हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्रैक बार्गलेज फ्रॉम न्यूजीलैंड हेड हेडक्वार्टर है दुबई यूएई हु इज द सीई ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ आई सी सी आईसीसी की फुल फॉर्म कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड हु सीईओ काज जी ऑफ एडवरटाइज ओकेट काउंसिल जय शाह इंडिपेंडेंट वुमेन डिरेक्टर ऑफ आईसी नूरी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बी सी सी आई काज लॉजर बेनी ये अभी चेंज हुए हैं एंड फुल क्या है वोट ऑफ कंकॉर फॉर क्रिकेट इन इंडिया Headquarters is in Vankari Stadium, that is Mumbai. Okay. Who is the president of Wrestling Federation of India? That is Bridge Bushin Sharan Singh. Headquarters is in New Delhi. Who is the president of Hockey India? That is Girip Tilki. Who is the president of Archery Association of India? That is Arjun Munja. Okay. After that, who is the president of International Olympic Committee? Thomas Beach from जर्मनी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ताकि इम्फैंकिनो ओके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल ताकि स्विटरलैंड हु प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ताकि अहमद फ्रॉम इजिप्ट आपका कहा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पैरा ओलंपिक कमिटी दैट इज बीपा मलिक ओके आपका कहा सम न्यूज़ अबाउट यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एंटोनी गिटल्स ही इज फ्रॉम पोर्टुगल हेड क्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क यूएसए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल 77th सेशन इज साबा करोसी एंड द हेड क्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क थर्टीन प्रेसिडेंट Of World Bank is Gavig Malpas, USA, and headquarters is in Washington, GC. Directorate General of World Trade Organization is Nagoji Okonza Ibiara, and headquarters is in Geneva, that is Switzerland. Next is Head of UNICEF. Full form of UNICEF is United Nations International Children's Emergency Fund. jo head is Kakarin Roussel of USA, and headquarters is in New York. डीजीआफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टेग स्विट्जरलैंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ साक फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपोरेशन इसमें एक मेंबर्स हैं कौन कौन से अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू जो नेपाल में है सेक्रेटरी जनरल कौन है इनके विच इज फ्रॉम श्रीलंका नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसमें ज्यादातर आई मीन जितनी भी है टेन मेंबर स्टेट हैं, ये सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है रेमजॉक हुई ओके एंड हेडक्वार्टर है जकार्का में जो इंडोनेशिया में है नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज मत्सुगु असाकावा ठीक है इज फ्रॉम जापान अब एम्बेसडर्स के क्लिक हैं बांग्लादेश का पुण्य कुमार वर्मा भूटान सुधाकर डावेरा कैन नेपाल नवीन श्रीवास्तव यूक्रेन इज हर्ष कुमार जैन रशिया इज प्रवीण कपूर कैनेडा संजय कुमार वर्मा यूएसए में जो एम्बेसडर्स हैं वो हैं तरनजीत सिंह संधू चाइना के प्रदीप कुमार रावत म्यांमार के विनय कुमार ओके नाउ वर्ल्ड सीडिंग कंपनीज एप्पल के सीईओ है टिम कुक माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नदिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला टाटा सन्स एंड एयर इंडिया के एंग चंद्रशेखरन ओके एमेजोन के सीईओ इज एंडी जेसी, फेसबुक के मार्क जुकेरबर्ग एंड फेसबुक गुवेंस ऑफिसर इज पूर्ति प्रिया ऑफिसर गर्स विनय प्रकाश व्हाट्सएप गवेंट्स ऑफिसर्स परेश बी लाल साइंस एंड रिसर्च के बारे में चेयरमैन ऑफ इजरो के फॉर्म इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनके चेयरमैन है एस सोमनाथ हेडक्वार्ट बैंगलुरु में चेयरमैन ऑफ डी आर डी ओ एज समीर वी कमर एंड द फुलज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टज इन न्यू कैली डीजी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज नाम्बी न्यू डेली डिरेक्टर ऑफ विक्रम सागर भाई स्पेस सेंटर इज डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर एंड हेड क्वार्टज इन थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल प्रेस एंड मीडिया के बारे में चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामर परेशन इज न्यू डेली

प्रेसिडेंट ऑफ संगीत नाटक अकादमी एज शेखर सेन प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला अकादमी एज उत्तम पचार्य ओके चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशन देख लेते है? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेप्यूटी चेयरमैन नीति आयोग के सुमन कुमार बैरी सीईओ ऑफ नीति आयोग एज परमेश्वरम अय्यर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एस डॉक्टर सोनी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज रेखा शर्मा चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इज प्रदीप कुमार मोहंती चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस इज एनके सिंह पर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अरुण कुमार मिश्रा इन्वेस्टिगेशन इन पार्लियामेंट के हेड की बात करे डिरेक्टर जनरल साइ डक्वार्ट न्यू गैरी मोटो इज सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्लैक हुड डिरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पंकज कुमार सिंह हेडक्वार्टर्स न्यू गहरी में और ये गार्ड करके हैं बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर्स है, हैं, उनको गार्डअप करके नेक्स्ट इज डिरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इस कुलदीप सिंह हेडक्वार्टर इज इंग न्यू गहरी

डिरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया आर एफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स अतुल करवार विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सी बी सी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्न के जो विजिलेंस कमिश्नर है वो है सुरेश एंड पाटिल डिरेक्टर ऑफ सी बी आई इज सुबोध कुमार जयसवाल हेड ऑफ आई बी इंटेलिजेंस ब्यूरो इज तपन कुमार गिका हेड ऑफ लॉ काके विंग समंत के गोयल डीजी ऑफ एनआईए आई एज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इजकर नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट क्रॉपी म्यूम क्रॉपगे म्यूमो हमारी प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का फिफ्थ चीफ ऑफ नेवी स्टाफ इज आर, आर हरिकुमार ट्वेंटी नाइंथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज मनोज पांडे एंड चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन इज एम एम नरवाणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो है अनिल सिंह ओके विग्स वी कंप्लीट और विग्गेस लेक्चर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यू कैन आस्क डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक में मिल जाएगा यू कैन गो वगैरह एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो येस कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई स्टडी गवर्नमेंट स्कीम मैक्सिमम कैंडिडेट की डिमांड आ रही थी सर एक वीडियो गवर्नमेंट स्कीम पर अपलोड करिए तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी गवर्नमेंट स्कीम करवाऊंगा ये सारी गवर्नमेंट स्कीम आप लोगों के लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है चाहे आप कोई भी ऑल इंडिया में एग्ज़ाम देने वाले हों और जो भी एफ वाले कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम सात तारीख को चौदह को इक्कीस को और उनतीस को होने वाला है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि ये यहाँ से आप लोगों को हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है तो चलिए हम लोग कर लेते हैं सारी गवर्नमेंट स्कीम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे जो सबसे पहली स्कीम आती है आप लोगों की नमामि गंगे प्रोग्राम ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको स्कीम में याद क्या रखना है एक तो आप लोगों को जो जो भी स्कीम होगी उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है उसके बाद आप लोगों को उसका ईयर याद रखना है कि वो किस ईयर में लॉन्च की गई थी और थर्ड आप लोगों को याद करना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसका एम क्या है ये तीन फैक्ट आप लोगों को हर एक स्कीम से याद करने हैं तो चलिए देख लेते हैं जो सबसे पहले स्कीम आती है आप लोगों की नमामि गंगे प्रोग्राम ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया था दो हज़ार चौदह में इसको लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑब्जेक्टिव था इफेक्टिव अबेटमेंट यानी कि जो कम करना यानी पोल्यूशन जो हमारी गंगा में उसका जो पोल्यूशन है उसको कम करना है और उसको कंजर्वेशन करना है देन मतलब कि उसको फिर से पुनर्जीवित करना है तो ये इसका एम था और इसको जो नोडल एजेंसी है इसको कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस स्कीम को चला रही है ये तो आप लोगों की फर्स्ट स्कीम है उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री जनधन योजना जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये कब लॉन्च की गई थी आप लोग इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखना अट्ठाईस अगस्त दो हज़ार चौदह को लॉन्च की गई थी और इसका एम क्या था इसका एम था वन बेसिक बैंकिंग किंग अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड यानी कि हर एक घर में कम से कम एक आदमी का बैंक खाता जो होना जरूरी है तो ये उसी की पर्पज़ से यह स्कीम लॉन्च की गई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली स्कीम थी फाइनेंशियल इंक्लूजन ये होता है कि आप लोग कहीं पर भी रहते हो आप लोगों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ना ही क्या कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है उसके बाद मैंने इसका एम बता दिया देन इसका जो स्लोगन है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं मेरा खाता मेरा खाता भाग्य विदाता जो है ना इसका स्लोगन है और इसको कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको चला रही है और बेनिफिट इसका क्या, क्या मिलते है इसमें जो आप लोगों का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो दो लाख रुपए का मिलता है और जो आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस है वो आप लोगों का तीस हज़ार रुपये का मिलता है और ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया इसका टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तो चलिए देख लें नेक्स्ट स्कीम पर नेक्स्ट स्कीम्स आती है आप लोगों की मेक इन, इन इंडिया जो मेक इन इंडिया स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी दो में लॉन्च की गई थी और इसका एम क्या था इसका एम था हमारा जो इंडिया है उसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना जिससे हमारे जो कंट्री है उसमें बाहर से एफ आए और मैनुफेक्चरिंग इंडिया में ग्रोथ हो सके तो ये इसका एम था वो टारगेट क्या था इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ जो हमारा इस सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है उसको उसको कितना करना था हमें बारह से लेकर के चौदह परसेंट पर एन एम करने था ये हमारा टारगेट था इस स्कीम का तो मेक इन इंडिया स्कीम आप लोगों की समझ में आ गई वो सिर्फ इतने ही फैक्ट आप लोगों को इस स्कीम के बारे में याद रखने हैं उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट स्कीम उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की संसद आदर्श ग्राम योजना सैगी बोलते हैं आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखना जरूर संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च कब की गई थी 2014 में लॉन्च की गई थी और इस योजना का एम क्या था एम था ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन सबको एक ग्राम पंचायत अडोप्ट करनी है और वो जो ग्राम पंचायत अडोप्ट करनी है वो अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप लोगों को पता सचिन तेंदुलकर ने भी हमारे जो एम पी हैं उन्होंने भी एक ग्राम पंचायत अडोप्ट कर रखी है उसके बाद क्या करना है दो तक आप लोगों को तीन

उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का इसका टारगेट क्या था इस टारगेट था जो चिल्ड्रन होते हैं हमारे बच्चे होते हैं और जो हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना था जो वैक्सीन लगाई जानी थी और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ डिजीज़ जो इंक्लूड की गई है बारह डिसीज़ की वैक्सीन लगाई जानी थी ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो डिसीज़ है कितनी कवर की गई है मिशन इंद्रधनुष के अंडर तो टोटल डिसीज़ बारह की कवर की गई है और ये जो आप लोग एक फैक्ट और याद रख सकते हो तो जो इंडिया है ना पोलियो वैक्सीन फ्री कब हुआ था तो 2014 में हुआ था ये जो पोलियो की वैक्सीन है ये इसके अंडर में ही लगाई गई इसमें इसके अंडर में भी लगाई जाती थी तो टोटल तो तो नंबर ऑफ डिसीज़ आप लोग याद रखना और ये इसके बारे में सारे फैक्ट याद रखना और एक इसके लिए चलाई जाती है चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंट जो वुमेन होती है उनके लिए चलाई जाती है नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की हृदय स्कीम इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म होती है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना उसके बाद ये कब लॉन्च की गई थी 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका एम क्या था प्रिजर्व एंड द रिवाइट द हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया कुछ इंपोर्टेंट सिटी थी उनको वापस से क्या करना था रिवाइटिज करना था रिवाइटलाइज करना था मन पुन, पुनर्जीवित करना था उनका अच्छे से विकास करना था और इसको जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कौन सी चला रही तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इस मिनिस्ट्री को चला रही है इस स्कीम को उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम ये कब लॉन्च की गई थी ये 2015 में लॉन्च की गई थी ईयर याद रखना और कहाँ से लॉन्च की गई थी पानीपत से लॉन्च की गई थी ये भी आप लोगों को याद रखना है उसके बाद इस स्कीम का एम क्या है तो इस जो स्कीम है इसका एम है आप लोगों का तो जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है उसको कम करना है देन आप लोगों का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो 2001 में उसको 918 था उसको कम करके लाना है तो कितना लाना है 2011 में दो है इसको और ज़्यादा बढ़ाना है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये आप लोगों को याद रखना है देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कौन सी मिनिस्ट्री इसको चला रही है तो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चला रही है उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और जो लास्ट लास्ट मिनिस्ट्री आती है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये तीन मिनिस्ट्री कंबाइंड रूप से इस, इस स्कीम को चला रही है और इसका जो ब्रांड अम्बेस्डर वो भी आप लोग याद रख सकते हैं तो साक्षी मलिक जो आप लोगों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड अम्बेस्डर है ये स्कीम सारी याद आ आप लोगों को इतने ही फैक्ट आप लोगों को इस स्कीम के बारे में याद रखनी है उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पी एम एम वाई इसकी फुलफॉर्म आ सकती है आप लोगों को पूछ लेना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना याद रख लेना इसकी नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है ये कब लॉन्च की गई थी 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका एम क्या था इसका आप लोगों का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और जो आप लोगों की माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको एक लोन प्रोवाइड करवाना है और जो लोन की कैटेगरी होगी तीन कैटेगरी की होगी एक तो शिशु वाली एक किशोर वाली देन आप लोगों की तरुण वाली होगी इसमें आप लोगों का मैक्सिमम लोन पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम लोन कितने का मिलेगा तो दस लाख का मिलेगा बाकी आप लोग देख सकते हैं जो शिशु के अंडर कवर होगा लोन वो आप लोगों का जीरो से लेकर पचास हजार के बीच होगा उसके बाद किशोर में पचास हजार से लेकर के पांच लाख के बीच होगा और जो सबसे लास्ट वाला होता है तरुण उसमें आप लोगों का कितना होगा पांच लाख से दस लाख के बीच लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर में उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की उजाला स्कीम उजाला स्कीम की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एल ई डीज़ फॉर आल सबको एक एल ई डी बल्ब प्रोवाइड करवाना था और ये कब लॉन्च की गई थी 2015 में लॉन्च की गई थी और एम क्या था इसका टू प्रमोट द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एनर्जी का एफिशिएंटली यूज को प्रमोट करना था उसके बाद फोर द आल कंजम्पशन उसका जो कंजम्पशन है और सेविंग है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना था ये इस स्कीम का पर्पज़ था उसके बाद इस, इस स्कीम को चला कौन रहा है ये भी आप लोग याद रख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस, इस स्कीम को चला रही है उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो ये कब लॉन्च की गई थी 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका जो एम था वो क्या था आप लोगों का जो तो पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज पीपल जो होते हैं उन किस एज ग्रुप के 18 से 70 के उनको आप लोगों को बारह रुपये पर एन एम बारह रुपये पर एन एम ये प्रीमियम पूछा जा सकता है किस स्कीम का तो बारह रुपये पर एन एम के हिसाब से जमा करना था और फिर उनको दो लाख रुपये का जो एक्सीडेंटल बीमा दिया जाएगा तो ये आप लोगों की कौन सी स्कीम थी ये आप लोगों की स्कीम थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी दो में इसका आप लोग एज ग्रुप भी याद रखना एज ग्रुप याद रखना प्रीमियम याद रखना और कितना इसमें बीमा कवर है जो एक्सीडेंटल है वो भी याद रखना तीनों फैक्ट याद रखना उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दो जितने भी बीमे वाली स्कीम है आप लोग एक आई से याद रख सकते हो 2015 में लॉन्च की गई थी इसका एज ग्रुप 18 से 50 था और जो प्रीमियम इसमें इंक्रीज़ हो चुका है ये लेटेस्ट इंक्रीज़ हुआ चार तो आप लोगों को याद रखना कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लेटेस्ट प्रीमियम कितना भरना है तो चार पर ईयर के हिसाब से भरना और तीन जो स्टार्टिंग में था उसके बाद और इसको जो एजेंसी है वो कौन सी चला रही तो एल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और ये लॉन्च कब किया गया था 2015 में लॉन्च किया गया था कौन सी मिनिस्ट्री इसको चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री चला रही है एम क्या था जो हमारे 500 सिटीज़ है ना बाय द प्रोवाइडिंग द उन 500 सिटी में क्या करना है एक टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है और उनका जो सीवर कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाना है पाँच सौ सिटीज़ में ये इसका एम था आई होप ये स्कीम आप लोगों को समझ आ गई होगी उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की स्मार्ट सिटी मिशन तो स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था दो में लॉन्च किया गया था एम क्या था इसमें हमारी सौ स्मार्ट सिटी बनानी थी और कब तक था जून 2023 इस तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है उसके बाद जो आप लोगों की स्मार्ट सिटी शिलोंग ये भी आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना पी एम ए वाई इसके फुलफम आप लोग याद रखना कब लॉन्च की गई थी 2015 में लॉन्च की गई थी एम क्या था हाउसिंग फॉर ऑल बाईस दो हजार बाईस तक हर किसी को घर प्रोवाइड करवाना है और उसको जो इंप्लीमेंट कौन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्रीज को इंप्लीमेंट कर रही है उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की डिजिटल इंडिया जो डिजिटल इंडिया ही कब लॉन्च किया गया था तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था एम क्या था टू तो ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू ए डिजिटल इम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी मतलब पूरे देश में डिजिटल डिजिटल को बढ़ावा देना डिजिटल स्कीम चला दी बहुत सारे डिजिटल तरीके से चल गए तो उसी को बढ़ावा देना था इसका डिजिटल इंडिया का आप लोग इसका ईयर जरूर याद रख लेना है किस ईयर में लॉन्च किया गया था उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का प्रधानमंत्री मात्र कृषि सिंचाई योजना जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है पी एम के एस वाई इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना कब लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च की गई थी उसके बाद टू इंप्रूव ऑन द फार्म वेलफेयर यानी वाटर जो है ना उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना ज़्यादा वेस्टेज ना हो हमारा जब एग्रीकल्चर इरीगेशन होता है उसका इफिशेंटली यूज़ ऑफ वाटर ये इसका परपज़ था और इसका जो शेयर है इसको मतलब कौन इसको फंडिंग करता है तो पचहत्तर पच्चीस फंडिंग होती है पचहत्तर सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और पच्चीस स्टेट गवर्नमेंट से आती है उसके बाद अगर नार्थन ईस्टर्न स्टेट है आप लोगों के जो सात स्टेट है उनमें अगर फंडिंग देनी तो वहाँ पर नाइन्टी परसेंट स्टेट आएगा और दस परसेंट वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग आएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना आप लोग इसको जरूर याद रख लेना है कब लॉन्च की गई थी दो एक बार आप लोग इसको कन्फर्म भी कर लेना कि दो हजार पंद्रह की दो हजार सत्रह सोलह में भी हो सकता है कि अनाउंस दो में हुई, हुई हो और आप लोगों की जो चलाई चला गई हो दो से चलाई गई हो बाकी मैं इसको कमेंट में पिन भी कर दूंगा उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की स्किल इंडिया मिशन तो ये कब लॉन्च किया गया 2015 में लॉन्च किया गया था एम क्या था इसका मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ जो आप लोग के यूथ है उनका स्किल डेवलपमेंट करना था ये इसका एम था और ये 2015 में लॉन्च किया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ईयर जरूर याद रखना उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सागरमाला प्रोजेक्ट ये कब लॉन्च किया गया था दो में लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या था जितने भी हमारे होलिस्टिक पोर्ट है जो पोर्ट्स वगैरह है और जो हमारी कोस्ट लाइन है उसका डेवलपमेंट करना ये इसका एम था जो जो कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है पचहत्तर सोलह ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि कितनी हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोग की उदय योजना उदय की फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखना उज्जवल डिस्को एस इंश्योरेंस कंपनी इस ये कब लॉन्च की गई थी 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी इसका एम क्या था जितने भी हमारे एक रिवाइवल पैकेज देना था किन को देना था जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो हमारी घाटे में चल रही है उनको एक रिवाइवल पैकेज दे करके फिर से वापस से खड़ा करना इसका एम था तो आप लोग जरूर याद रखना कौन सी स्कीम है आप लोगों की अज्ज्वल डिस डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय योजना उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना कब लॉन्च की गई थी 2017 में लॉन्च की गई थी और इसका जो रीजनल पर्पस क्या था तो जो रीजनल कनेक्टिविटी उसको बढ़ाई बढ़ावा देना और जो हमारा कॉमन मैन है उसको भी एयर की सर्विस प्रोवाइड करवाना इसका एम था किसका उड़ान योजना का उसके बाद नेक्स्ट योजना आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो ये कब लॉन्च की गई थी एक मई दो को लॉन्च की गई थी और इसमें क्या करना था इसमें आप लोगों की सोलह सौ की, की, की हेल्प देनी थी फाइनेंशियल हेल्प देनी थी किसके लिए जो भी एल कनेक्शन खरीदेगा तो एल कनेक्शन प्रोवाइड करवाने थे शुरू में ये कब लॉन्च की गई थी ये थी आप लोगों की दो में लॉन्च की गई थी और उस समय जो इसका एम रखा था पाँच करोड़ एलपी कनेक्शन प्रोवाइड करवाने थे उसके बाद फिर से इसका पी एम उज्ज्वला टू लॉन्च किया गया है ये दो में लॉन्च किया गया और कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आप लोगों को दस अगस्त यानी दस अगस्त को होता है बायोफ्यूल डे तो 10 अगस्त को होता है बायोफ्यूल डे 10 अगस्त 2021 को इसका 2.0 दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया है कहाँ से यूपी के बलिया से लॉन्च किया है? ये भी आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद यूपी के महोबा से कहाँ से यूपी के महोबा से वो लॉन्च है इसका सेकंड वर्जन स्टार्ट हुआ उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो ये कब लॉन्च की गई थी 2020 में लॉन्च की गई थी पी एम एस एस वाई इसकी वो होती है शॉर्ट फॉर्म आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना और फुल फॉर्म भी याद रखना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई थी 2020 में लॉन्च की गई थी एम क्या था ब्रिंग ब्लू रिवोल्यूशन जो हमारी ब्लू रिवोलूशन है जो मछली वाला रिवोल्यून होता है आप लोगों को देश में उसको बढ़ावा देना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है यही इसका एम था उसके बाद ये जो नेक्स्ट इसमें आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने आप लोग को बता दिया है प्रधान आप लोगों को इसकी याद भी रखनी है और ये कब तक चलाई जा रही है दो से दो तक चलाई जाएगी पाँच साल के लिए चलाई जाएगी क्योंकि जो ब्लो इकोनॉमी हमारी उसमें भी हमारा जो शेयर है उसको बढ़ाना है तो ये भी आप लोग याद रखना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक फैक्टर याद रखना जो ब्लू रिवोल्यूशन है ये आप लोग बता देना कमेंट में करके कि फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है ये मैंने आप लोगों को फादर वाली वीडियो में करवा दिया था कि किसको बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब लॉन्च की गई थी 2019 में लॉन्च की गई थी इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी पी के एस एन वाई ये तो शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म आप लोग यहाँ से याद रख लेना 2019 में लॉन्च की गई थी और एम क्या आता है इसका प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट टू द फार्मर जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है और ये कहाँ से लॉन्च की गई थी आप लोग यहाँ याद रखना गोरखपुर से लॉन्च की गई थी और इसका जो बेनिफिट है आप लोग को छः पर ईयर मिलेंगे हर तीन हर चार महीने की एक किस्त आती है दो पर मंथ चार महीने में तो, तो दो हज़ार के तीन इंस्टॉलमेंट में ये छः हज़ार रुपये दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का पीएम किसान संपदा योजना ये, ये कब लॉन्च की गई थी दो हज़ार सोलह में लॉन्च की गई थी उसके बाद इसका एम क्या था टू तो डेवलप द प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी जितने भी हमारे प्रोसेसिंग फूड्स वगैरह आते हैं उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए कैपेबिलिटी डेवलप करना और जो स्टोरेज यूनिट है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो कुछ पार्क बनाए जाते हैं तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है वो इसी का ही एक स्टैंडर्ड है कि इस योजना को कम्प्लीटली चलाया जा सके फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाए जा रहे थे ऑल इंडिया में तो वो इसी के अंडर में बनाए जा रहे थे तो ताकि जो स्टोरेज है हमारे किसान को स्टोरेज मिल सके उसको स्टोर करने के लिए कहीं दूर जाना ना पड़े उसके आसपास ही कहीं स्टोरेज प्लांट भी बनाए जा रहे थे उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की सेतु भारतम परियोजना ये कब लॉन्च की गई थी दो में लॉन्च की गई थी तो इंडिया में जितने भी हाईवे हैं हमारी उनकी हाईवे को ना क्रॉसिंग फ्री करना था तो हाईवे को जो क्रॉसिंग फ्री करना था इसका एम था ये दो में लॉन्च की गई थी और 2019 तक इसका टारगेट था इसको आप लोग भी बता सकते हैं इस स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री चला रही होगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चलाएगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन वाली मिनिस्ट्री चलाएगी तो आप लोग दोनों में से बता देना कि कौन सी मिनिस्ट्री को चलाएगी उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का आयुष्मान भारत योजना ये कब लॉन्च की गई थी 25 सितंबर 2014 को कहाँ से लॉन्च की गई थी रांची से झारखंड से लॉन्च की गई थी एम क्या था टू तो कवरेज ऑफ द अप टू द पाइव लाख पर फैमिली पर ईयर एक हर साल के लिए पाँच लाख का पर पर्सन एक बीमा दिया जाएगा तो वो इस हेल्थ कवरेज था तो इसी स्कीम के अंडर में आयुष्मान भारत योजना आप लोग याद रख सकते हैं मैंने इसका एम बता दिया उसके बाद अब फंडिंग कहाँ से आती है इसकी साठ परसेंट आप लोगों की सेंटर से आती है और फोर्टी परसेंट आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट से आती है तो याद रखना कब लॉन्च की गई थी दो में रांची से लॉन्च की गई थी और पाँच लाख का बीमा इसमें प्रोवाइड करवाना और फैमिली पूछे तो दस दस हजार फैमिली अप्रोक्स अप्रोक्स पचास करोड़ इसमें लोग एलिजिबल हो जाएंगे आ जाएंगे इसमें मैक्सिमम बड़ी बहुत बड़ी योजना थी ये आप लोगों की आयुष्मान भारत योजना उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का पी एम वी वी वाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आप लोगों की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि पी एम वी वी वाई में वी क्या होता है तो वी होता है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना कब लॉन्च की गई थी दो हज़ार सत्रह में लॉन्च की गई थी सीनियर सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च की गई थी और इसको जो स्कीम जिसको जो रेगुलेट कर रहा है स्कीम को वो आप लोगों की एल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्कीम को चला रही है और इसमें आप लोग कोई भी एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है तो पंद्रह लाख ,00 इसमें इन्वेस्ट कर सकता है तो ये आप लोगों की प्रधानमंत्री व्या वंदना योजना थी ईयर भी याद रखना एज ग्रुप भी याद रखना और किस पर्पज़ भी इसका याद रखना सिक्योरिटी स्कीम फॉर द सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई थी उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इसको आप लोग शॉर्ट में सौभाग्य योजना भी बोलते हैं इम्पोर्टेंट योजना है बिजली से आप लोगों को खतरा होता है तो इस तरीके से खतरा मतलब सत्रह तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया तो 2017 में ये लॉन्च की गई थी सौभाग्य योजना उसके बाद इसका जो एम क्या था कनेक्टिविटी एंड पावर कनेक्शन टू ऑल द अन इलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन इंडिया हर घर में एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाना इसका एम था सिम्पली बस इतना याद रख लेना सौभाग्य योजना का और लॉन्च कब की गई थी दो में लॉन्च की गई थी उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये कब लॉन्च की गई है 2019 में लॉन्च की गई है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है उनके लिए लॉन्च की गई है जिनकी जो इनकम है या तो पंद्रह हज़ार है या उससे कम है और उनकी जो एज ग्रुप अट्ठारह से चालीस होना चाहिए और उनको जो पेंशन मिलेगी तीन पर मंथ मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ सिक्सटी ईयर आई होप ये स्कीम आप लोगों के याद हो गई होगी तो ये सारी स्कीम मैंने कम्प्लीट करवा दी है अगर इनमें से किसी भी स्कीम में आप लोगों को ट आता है उसकी ईयर से रिलेटेड तो वो कैंडिडेट कमेंट करके पूछ सकता है उसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ तो मैंने बायोलॉजी की वीडियो प्रोवाइड करवा दी है आज फिजिक्स की वीडियो मिल जाएगी वो भी आप लोग में जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा अपॉइंटमेंट की वीडियो भी कल मिल गई थी तो बाकी जो जितनी वीडियो है वो आज या कल में सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी तो जो भी कैंडिडेट सात तारीख वाले हैं वो देख लेना ये स्कीम वाली इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जानते ही तो हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हाई स्टडी एफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड थ्री के लिए इसका एग्जाम एक जनवरी को चार शिफ्टों में कंप्लीट किया गया था तो उसकी जो एनालिसिस की थी उस एनालिसिस के बेस पे एक टॉपिक आप लोगों का बनता है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले थे तो उसी एनालिसिस के आधार पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के नेशनल सिंबल कंप्लीट करवा दूंगा ऑलरेडी एफ सी थ्री के लिए जो जीके की एक वीडियो सीरीज़ चलाई गई थी मेरे लिए द्वारा उस सीरीज़ में आठ से दस वीडियो अपलोड हो चुकी हैं अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो सीरीज़ नहीं देखी तो उस सीरीज़ की जो प्ले है वो मैंने बना दिया है और उस प्ले का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेशनल ऑफ इंडिया और ये जो टॉपिक है आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे सब में हेल्पफुल होगा तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सबसे पहला आता है आप लोगों का नेशनल फ्लैग जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो क्या हमारा तिरंगा है मैक्मम कैंडिडेटेट पूछेंगे क्या सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्योंकि इन लोगों ने अपने नोटिफिकेशन में ऑफिशियली मेंशन कर रखा है कि एट्थ लेवल की जी आएगी तो एथ लेवल में तो आप लोगों को सिंपल पता होना चाहिए डीपली नॉलेज उसकी रिक्वायर्ड नहीं है तो नेशनल सिंपल हमारा क्या तिरंगा है हर कोई जानता है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल एंथम जो हमारा नेशनल एंथम है हमारा जन गण मण ये हमारा क्या है नेशनल एंथम है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल कैलेंडर जो हमारा नेशनल कैलेंडर है ये आप लोगों का साका कैलेंडर जो है ना साका वंश ने चलाया था जो साका कैलेंडर हमारा क्या है नेशनल कैलेंडर है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल सोंग हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत मीन्स नेशनल सॉन्ग है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल फ्रूट हमारा जो राष्ट्रीय फल है वो हमारा क्या है मैंगो मीन्स आम हमारा राष्ट्रीय फल है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल रिवर हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी गंगा है और इसको कब राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर किया गया था तो चार नवंबर नवंबर 2008 को एक बार फिर से बोल देता हूँ चार नवंबर 2008 को नेशनल रिवर गंगा को डिक्लेयर किया गया था उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल एनिमल जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ये कौन सा हमारा रॉयल बेंगोल टाइगर है जो कहाँ पर पाया जाता है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है रॉयल बेंगोल टाइगर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल ट्री जो हमारा राष्ट्रीय ट्री कौन सा बनियान है मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 50 परसेंट कैंडिडेट नहीं जानते होंगे तो फिर भी आप लोग याद रखिए हो सकता है कि आप लोगों को नेशनल ट्री पूछ लिए क्योंकि नेशनल सिंबल तो आप लोगों को पता ही होने चाहिए इंडिया के उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल एक्वेटिक एनिमल ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का एक तारीख को पूछा गया था उसका इसका जो आंसर था आप लोगों का गंगेजीज रिवर डोल्फिन डौ, जो हमारी गंगा है उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है उसी जो हमारी किस तरह की नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल बर्ड जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा हमारा पिकॉक है आप लोग इसका साइंटिफिक नेम मुझे कमेंट कर सकते हैं कि पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल हमारा नेशनल जो हमारी करेंसी है जो नेशनल करेंसी हमारी कोई है हर कोई जानता है तो इंडियन रुपीज़ हमारी नेशनल करेंसी है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल हमारा जो नेशनल रेप्टाइल है जो हमारा नेशनल रेप्टाइल है ये क्या हमारा तो कोबरा हमारा क्या है नेशनल रेप्टाइल है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल हेरिटेज एनिमल जो हमारा नेशनल धरोहर पशु है नेशनल हेरिटेज ये हमारा क्या क्या है ये हमारा इंडियन एलिफेंट है तो एलिफेंट का भी आप लोग मुझे साइंटिफिक नेम कमेंट करके बताओगे उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल फ्लावर तो नेशनल फ्लावर हमारा क्या लोटस है हर कोई जानता है इसका भी साइंटिफिक नेम आप लोगों को कमेंट करना है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल वेजिटेबल जो हमारी नेशनल वेजिटेबल है ये क्या होती है पंपकिन होती है मीन्स कद्दू हमारी राष्ट्रीय सब्जी है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ ये तो सिर्फ नेशनल सिंबल थे जो आप लोगों को सिर्फ याद रखने एटथ बेस के हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए किसका क्या है अब थोड़ी सी मैं बेसिक डिटेल बता देता हूँ क्योंकि बीस शिफ्टों में एग्जाम होना है हो सकता है कुछ शिफ्टों में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अंदर जाके पूछ लीजिए पूछ लेगा वो तो उसी से मैं थोड़ा सा आप लोगों को डेप में भी बता देता हूँ नेशनल तिरंगा के बारे में तो नेशनल तिरंगा जो हमारा ट्राई कलर है ये याद रखना है कि ये कब अडॉप्ट किया गया था अगर बात करें कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा तो बाईस जनवरी बाईस जुलाई नाइनटीन तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो नेशनल ट्राई कलर है इसको अडॉप्ट किया गया था ये डेट भी याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपीट होती रहती है और इसको डिज़ाइन किसने किया था तो पिंग वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारा ट्राई कलर को किसने डिज़ाइन किया था तो किसने किया था पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था उसके बाद आप लोग जानते हैं जो सबसे टॉप पर कलर होता है वो केसरी होता है उसके बाद जो मिडिल में कलर होता है वाइट होता है और सबसे जो नीचे होता है वो डार्क ग्रीन होता है और वाइट वाले पोर्सन पर क्या होता है एक चक्र होता है जिसको अशोक चक्र बोलते हैं और उसमें कितने स्पोक्स होते हैं ट्वेंटी स्पोक्स यानी चौबीस तिल्लियाँ होती हैं उसके आप लोगों को यह भी याद रखना है इसकी लंबाई एंड चौड़ाई का रेशियो कितना होता है ये होता है आप लोगों का दो अनुपात तीन दो अनुपात तीन ये भी आप लोग रेशियो याद रख सकते हैं तो ये चार पांच फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखने हैं ट्राई कलर से रिलेटेड एक फैक्ट हो रहा था है, आप लोगों का पहली बार जो हमारा ट्राई कलर है ये किसी फॉरेन कंट्री में कब इसको फहराया गया था तो ये आप लोगों का एक जर्मनी का शहर है स्टोट घाट जो स्टोट घाट है जर्मनी का एक शहर है वहाँ पर 1907 में मैडम बिकाजी कामा के द्वारा पहली बार हमारा जो झंडा है इसको प्रदर्शित किया गया था या फिर वहाँ पर दिखाया गया था तो आप लोग ध्यान रखना मैडम बिकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टोट में या तो स्टोट होगा ऑप्शन में जर्मनी होगा और किस ईयर में उन्नीस ईयर में तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो नेशनल कैलेंडर है ये आप लोग जानते हैं साका वाला कैलेंडर है और इसको कब अडॉप्ट किया गया था ये भी आप लोग याद रखना बाईस मार्च फिफ्टी सेवन डेट कई बार एसएससी एंड रेलवे के एग्जाम में रिपीट हो चुकी है उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला महीना कौन सा होता है तो चैत्र का पहला महीना होता है जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग लास्ट मंथ क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट कर देना हमारे नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ कौन सा होता है उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा नेशनल एंथम है ये हमारा कौन सा जनगणमणा तो हमारा जनगणमणा जो है ये हमारा नेशनल एंथम है ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा उसके बाद हो सकता है कुछ शिफ्टों में थोड़ा सा अंदर जाके पूछ ले तो क्या डेप में पूछ सकता है हम सारे फैक्ट देख लेते हैं द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगणमण या ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था तो बंगाली लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया था उसके बाद इसको जो हमारा इसको गाया किसने था रविंद्रना नाथ टैगोर ने इसको अडॉप्ट किया था और गाया भी इन्हीं के द्वारा गया था इसको रचित भी इन्हीं के द्वारा किया गया था इनको इसने इसकी क्या की थी रचना की थी और उसके बाद इसको जो इसका जो हिंदी वाला वर्जन है जो हिंदी वर्जन है वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था ये भी आप लोग याद रख सकते हैं चौबीस जनवरी उन्नीस को इसको अडॉप्ट किया था किसने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसने संविधान बनाया था और ये जो इसको किसने लिखा था ये तो आप लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और हिंदी वाला अडोप्टिड वर्जन इसका अडोप्ट किया गया था उसके बाद ये पहली बार हमारे जो आई एन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुआ करते थे तो किस सेशन में ये फर्स्ट टाइम गाया गया था तो वो सेशन था आप लोगों का 1911 का सेशन था और कहाँ पर हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था वो आप लोगों को याद रखना 1911 के कलकत्ता सेशन में हमारा जो जनगणमण जो हमारा नेशनल एंथम है वो गाया गया था हिंदी लैंग्वेज में आप लोग याद रखना हिंदी में अगर बात ले बात कि इसको ट्रांसलेट किसने किया था तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेटेड किया था और एक फैक्ट और याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने दो कंट्री का कॉन्सिट्यूट

किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था संस्कृत में किया गया था किसके द्वारा यह किया गया था आपका बंकिम चदर चटर्जी के द्वारा बंकिम चदर चटर्जी के द्वारा हमारा कौन सा जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको कंपोज किया गया था उसके बाद आप लोगों को याद रखना कब इसको अडॉप्ट किया गया था तो 24 जनवरी 1950 को हमारे जो प्रेसिडेंट थे कौन राजेंद्र प्रसाद इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था एज ए इंडिया का नेशनल सोंग याद रखना है क्या है हमारा वंदे मातरम इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये याद रखना है उसके बाद एक फैक्ट और याद रख सकते हो इन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वहाँ पर एक बात बोली थी कि हमारे नेशनल एंथम को उतना ही स्टेटस दिया जाना चाहिए जितना कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है हमारा दो दोनों को बराबर का इक्वल स्टेटस दिया जाना चाहिए ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द फर्स्ट जो पहली बार कब गाया गया था जिस तरीके से नाइन्टीन इलेवन में उन्नीस सौ ग्यारह में हमारा जनगणमन नेशनल एंथम गाया गया था फर्स्ट टाइम उसी तरीके से हमारा जो नेशनल सॉन्ग है ये एट्टीन नाइन्टी सिक्स में अट्ठारह सौ छियानवे में कोलकाता के सेशन में पहली बार नेशनल हमारा सॉन्ग गाया गया था तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ये जो नेशनल सॉन्ग है हमारा तो ये मतलब कहाँ से लिया गया है तो एक आनंद मठ है तो आनंद मठ उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का तो उसी उपन्यास से ये सॉन्ग हमारा लिया गया है तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास भी याद रखना आप लोग कौन

कुमार ने इसको डिजाइन किया था और कब डिजाइन किया था 2010 में यह भी आता है तो तीनों याद रखना 2010 भी याद रखना उदय कुमार भी याद रखना और यह मतलब कि आर से बनाया आर और रे दोनों से मिलकर बना भी याद रखना उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल एनिमल तो नेशनल एनिमल मैंने आप लोगों को बता रखा है बेंगोल टाइगर है और इसको कब डिक्लेयर किया गया था नेशनल एनिमल ये आप लोग याद रख सकते हैं 1973 में डिक्लेयर किया गया था क्योंकि 1972 में कौन सा एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था तो उसको भी ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था नाइनटीन में आया था उसके बाद आप लोग याद रखना नेशनल बर्ड हमारा कौन सा है पिकॉक है उसके बाद पिकॉक के बारे में याद रख सकते हो इसको कब डिक्लेयर किया गया था तो नाइनटीन में पिकॉक को हमारा नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया था उसके बाद देख लेते जो हमारे नेशनल रिवर है जो नेशनल रिवर है वो गंगा है लेकिन गंगा को नेशनल रिवर कब डिक्लेयर किया गया था चार नवंबर दो हजार आठ को, को दस तो को हमारी जो नेशनल है, उसको किया गया था एज ए डोल्फिन डिक्लेयर किया गया था यह फैक्ट याद रख सकते हो एक पॉइंट और याद रख सकते हो पांच अक्टूबर को क्या कौन सा डे मनाया जाता है तो गंगा की जो रिवर है रिवल डोल्फिन डे कब मनाया जाता है पांच अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि पांच अक्टूबर दो हजार दस को इंडिया की एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था तो ये सारे नेशनल सिंबल थे जो मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए हैं अगर आप लोग अगली वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट कर दीजिए सर अगली वीडियो इस टॉपिक पर होनी चाहिए जो आप लोगों की स्कीम्स की वीडियो है उसकी पीपीटी तैयार है आज शाम तक उसकी पीपीटी तैयार हो जाएगी मॉर्निंग में वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी एक वीडियो मैंने डाली थी आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट्स की तो उस वीडियो में कुछ एरर्स थी वो एरर करेक्ट कर ली गई है थोड़ी देर में वो वीडियो वापस से अपलोड हो जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट अपडेटेड करके दिसंबर दो के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बाकी साइंस की वीडियो है वो आज आज भी आप लोगों को एक दो वीडियो मिल जाएगी कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि साइंस की वीडियो सर हिंदी में प्रोवाइड करवा दीजिए तो एक दो वीडियो में आप लोगों के लिए साइंस की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ साइंस की दस दस वीडियो होंगी और उससे बाहर आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन नहीं जाएगा मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोग बस आई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई स्टडी मैक्सिमम कैंडिडेट डिमांड कर रहे थे कि सर हमारा कल एग्जाम होने वाला है तो जल्दी से हमें एक वीडियो नेशनल पार्क पर प्रोवाइड करवा दीजिए तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क सारे कवर करवा दूंगा और 10 से 12 मिनट में आप लोगों के सारे नेशनल पार्क भी रिवाइज़ हो जाएंगे जिनका एग्ज़ाम कल है वो आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूँगा तो चलिए देख लेते हैं ये जो टॉपिक आता है आप लोगों का स्टेटिक जेके के अंडर में आता है और इसमें से आप लोग ये आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए से आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड देखने को मिलता ही है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इंपोर्टेंट नेशनल पार्क सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि भारत में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने तो जब अगर टोटल नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क पूछे तो कितने हैं तो 106 नेशनल पार्क है भारत में टोटल उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है तो स्टेट विद द हाइस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इज़ मध्य प्रदेश और टोटल कितने मध्य प्रदेश में बारह नेशनल पार्क है अब हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क देख लेते हैं सबसे पहला हमारी जो यूटी आती है अंडमान एंड निकोबार इसमें कौन कौन से हैं जो जो इंपॉर्टेंट हो गए मैं आप लोगों के लिए बताता भी चलूँगा जो कैंपबेल नेशनल पार्क है ये आप लोगों का अंडमान निकोबार में उसके बाद आप लोगों का जो आप लोगों का है गालाथिया जो गालाथिया नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर है अंडमान निकोबार में उसके बाद आप लोग ध्यान रखना महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट रहेगा महात्मा गांधी महराइन नेशनल पार्क तो ये कहाँ पर है ये भी अंडमान निकोबार में है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क जब भी बटन वाला आइलैंड नेशनल पार्क आएगा तो आप लोग अपने आप ही अंडमान निकोबार मार्क कर देना जो आप लोगों का आंसर है क्योंकि बटन वाला वहीं पर है उसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है माउंट हैरियट तो ये भी कहाँ से है ये भी अंडमान निकोबार में उसके बाद नॉर्थ बटन फिर से बटन आ गया तो ये भी अंडमान निकोबार में उसके बाद जो आप लोगों का रानी की झांसी महराइन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है ये भी अंडमान निकोबार में है और सैडल पीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सैडल पीक कहाँ पर है तो सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर आप लोगों का अंडमान निकोबार में उसके बाद आप लोगों का साउथ बटन वाला नेशनल पार्क भी कहाँ पर है अंडमान निकोबार में तो ये आप लोग अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क है जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में आप लोगों का पापीकुंडा नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है कई बार रिपीट हुआ है नेक्स्ट आता है आप लोगों का राजीव गांधी नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में ही है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ पर आंध्र प्रदेश में है उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का आता है अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं आप लोग बता सकते हैं एक तो आप लोगों का पड़ता है नाम दफा नेक्स्ट आता है आप लोगों का मोलिंग यानी किसी का नाम रखेंगे और नाम ये क्या होगा एम ओ यू तो नाम दफा और मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ते हैं ये आप लोग के अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का असम में असम में कौन कौन से होता है डिब्रू साइकोबा काजीरंगा मानस नमेरी डिब्रू साइकोबा काजीरंगा मानस नमेरी सिर्फ इसी तरीके से बोल लीजिए चारों आप के असम तो के नेशनल पार्क उसके बाद ये है, नेशनल पार्क क्योंकि यहां पर अवार्ड एक, एक एक दिया गया था इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड तो वो भी किसको दिया गया था ओरंग नेशनल पार्क को तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का देहांग पटकाई तो ये भी कहां पर है असम में ही है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बिहार में देख लेते हैं तो बाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है बिहार में है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कन्वर जो कन्वर बर्ड सेंचुरी ये भी कहाँ पर है बिहार में ही है अभी एक नेशनल पार्क है और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये भी कहाँ पर है बिहार में ही है इसको भी नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रखा है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में आप लोग एक ट्रिक याद रखना इंदिरा के गुरु कांगर बस तो इंदिरा के गुरु कांगर आप लोग याद रखोगे तो इस इंदिरा से बन जाएगा इंदिरा गांधी इंद्रावती नेशनल पार्क उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा का कहाँ से आ जाएगा आप लोग कांगर घाटी नेशनल पार्क और गुरु से बन जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क तो तीनों आप लोग याद रख सकते हैं इंदिरा के गुरु कांगर तो इंद्रावती और गुरु घासीदास और कांगर घाटी नेशनल पार्क तो ये आप लोगों के कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का गोवा में सिर्फ और एक ही है इसको बोलते हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क या फिर इसका दूसरा नाम भी आ सकता है आप लोगों के लिए मोल्लम नेशनल पार्क उसके बाद गुजरात में देख लेते हैं गुजरात के पूछे गए थे एक तो आप लोगों का गुजरात में कौन सा है एक तो वंशदा नेशनल पार्क है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ब्लैक बग नेशनल पार्क नेक्स्ट आता है आप लोगों का गिर नेशनल पार्क ये आप लोगों का पूछा गया था कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है नेक्स्ट आता है आप लोगों का गल्प ऑफ कच्च तो गल्फ ऑफ कच्च ओब्बियसली कहाँ पर है गुजरात में तो उसके नाम से जो नेशनल पार्क बनेगा वो भी कहाँ पर होगा गुजरात में ही होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता आता है आप लोगों का हरियाणा तो हरियाणा में कौन सा एक तो कालेसर नेशनल पार्क है दूसरा आप लोगों का सुल्तान नेशनल पार्क है दो ही नेशनल पार्क हरियाणा में है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का हिमाचल प्रदेश के सारे आप लोगों को याद रखने ग्रेट हिमालयन तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है ये भी हिमाचल प्रदेश में हिमालयन स्टेट है तो इसलिए याद रख सकते हो कि हिमालय का नेशनल पार्क भी कहाँ पर ही होगा हिमालयन स्टेट में ही होगा हिमाचल प्रदेश में उसके बाद पिन वैली नेक्स्ट आप लोगों का इंदर किला नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में ही और लास्ट आता है आप लोगों का खेरगंगा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में ही और नेक्स्ट आता है आप लोगों का सिंबल बारा नेशनल पार्क तो सिम्बल बारा खीरगंगा पिन वैली ये सारे नेशनल पार्क कहां पर है यह आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे नेक्स्ट स्टेट आता है आप लोगों का जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से है एक तो दासीगम नेशनल पार्क हैमिस नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का इंडिया का पूछे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है तो हैमिस नेशनल पार्क है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का किशन किश्तवाड़ नेशनल पार्क और लास्ट आता है आप लोगों का सलीम अली नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल बर्ड सेंचुरी बात करें तो गोवा में हो जाएगी और सलीम अली के नाम पर अगर पूछे नेशनल पार्क कहाँ से है तो आप लोगों का जम्मू कश्मीर में हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है आप लोगों का झारखंड में तो झारखंड में आता है आप लोगों का बैतला नेशनल पार्क और दूसरा आता है आप का दिमाना नेशनल पार्क बैतला और दिमाना नेशनल पार्क कहां पर है आप लोगों का झारखंड में है नेक्स्ट आता है आप लोगों का हजारीबाग तो हजारीबाग नेशनल पार्क भी कहाँ सी है ये भी आप लोगों का झारखंड में धोनी रहते थे धोनी ने हज़ारों रन बनाए हैं तो उससे ट्रिक हो जाएगी हजारी हजारी नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आप लोगों का झारखंड में है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कर्नाटक है तो कर्नाटक में कौन सा अनसी नेशनल पार्क कर्नाटक में नेक्स्ट आता है आप लोगों का राजीव गांधी नेशनल पार्क बानदीपुर नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है नेक्स्ट आता है आप लोगों का बैनर और कुद्रेमुख ये इंपॉर्टेंट है कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये कहाँ पर पड़ेगा आप लोगों का कर्नाटक में आता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है आप लोगों का केरला वाला केरला वाले में आप लोग एक टर्म याद रखने का शोला

करीम पूजा नेशनल पार्क ये भी केरला में है। और अन्नामुदाई सोला इसमें भी सोलह आ गया ये नेशनल पार्क भी केरला में है। और पदमा नाभा जो पदमा पदमा बदम कौन सा है पम पंबादम हाँ पंबादम जो पम्बादम शोला नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर है केरला में यहाँ पर भी सोला आ गया उसका नेक्स्ट आता है आप लोग का मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है और टोटल नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कितने हैं बारह नेशनल पार्क है उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से एक तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसके बाद आप लोगों को याद रखना नेक्स्ट आता है आप लोगों का मंडला प्लांट फोशिलपुर तो मंडला प्लांट फोशिल नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में नेक्स्ट आता है आप लोगों का कहना नेशनल पार्क देन आप लोगों का माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क पन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है पन्ना नेशनल पार्क उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का पेंच नेशनल पार्क और आता आप लोगों का संजय नेशनल पार्क तो ये सारे कहाँ पर है मध्य प्रदेश में है उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सतपुड़ा नेशनल पार्क और आप लोगों का लास्ट आता है विहार नेशनल पार्क टोटल बारह नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है सारे आप लोगों को याद रखने हैं पूछे तो आप लोगों का नेशनल पार्क वाला स्टेट कौन सा तो भी मध्य प्रदेश हो जाएगा फॉरेस्ट स्टेट किसको बोला जाता है तब भी मध्य प्रदेश हो जाएगा तो सारे नेशनल पार्क आप लोगों को मध्य प्रदेश के याद रखने हैं उसके बाद एक कमेंट आप लोगों को ये करके आना है कि किस नेशनल पार्क में अभी जो हमने नामीबिया से जो चीते आए हैं वो छोड़े गए हैं उस नेशनल पार्क का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है और कितने चीते थे ये भी बताना है उसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन सा एक तो आप लोग याद रखना चंदोली चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है उसके बाद गुगमल हो गया नवेगांव हो गया और पेंच नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है महाराष्ट्र में नेक्स्ट आता है आप लोगों का संजय गांधी नेशनल पार्क और बोरीवली नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है महाराष्ट्र में उसके बाद आता है नेक्स्ट आता आप लोगों का तडोबा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है महाराष्ट्र वाल उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है आप लोगों का मणिपुर में तो मणिपुर में कौन कौन से आप लोगों को दो ही याद रखने एक तो केबुल लामजाओ है एक सिरोही नेशनल पार्क है केबल लामजाव एंड सिरोही नेशनल पार्क इसका दूसरा नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना केबुल लामजाओ का दूसरा नाम क्या है और ये किस कहाँ पर पड़ता है किस जगह पर पड़ता है उसके बाद मेघालय में भी आप लोगों के सिर्फ दो ही है एक तो आप लोगों का याद रखना बलफक्रम और दूसरा आता आप लोगों का नोकरेक बलफक्रम एंड नोकरेक नेशनल पार्क पर आप लोगों के मेघालय में, में है उसके बाद मिजोरम वाले देख लेते हैं मिजोरम में कौन कौन सा एक तो मुरलम नेशनल पार्क है एक दो तो फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहाँ पर आप लोगों का मिजोरम है नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं नागालैंड में कौन सा है तो इनटांकी नेशनल पार्क तो इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर आप लोगों का नागालैंड में नेक्स्ट आता है आप लोगों का उड़ीसा में कौन कौन सा है तो उड़ीसा के आप लोग सारे याद रखने एक तो भितरकनी का नेशनल पार्क कहाँ पर है उड़ीसा में नेक्स्ट आता है आप लोग का नंदन कनल नंदन कनन नेशनल पार्क भी कहाँ पर है उड़ीसा में उसके बाद सिमलीपल भी नेशनल पार्क कहाँ पर है उड़ीसा में तो भितरकनी का नंदन कनन उसके बाद सिमलीपल तीनों नेशनल पार्क कहाँ पर ते हैं आप लोगों के उड़ीसा में पढ़ते हैं पंजाब में एक ही है इंपोर्टेंट है हरीके वेटलैंड कहां पर पंजाब में नेक्स्ट आता है आप लोगों का राजस्थान तो राजस्थान में कौन सा एक तो नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क है तो डेजर्ट तो वहीं पर तो डेजर्ट नेशनल पार्क भी कहां पर है ये आप का राजस्थान में केवला देव राजस्थान में और दूसरा आप लोगों का माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राजस्थान में नेक्स्ट आप लोगों का रणथमपुर और सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है राजस्थान में सरिस्का मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा रणथमपुर आप लोग ऑप्शन से भी बता दोगे कि राजस्थान में होगा नेक्स्ट आता है आप का सिक्किम में तो सिक्किम में एक ही है कंचनजंगा नेशनल पार्क नेक्स्ट आता आप लोगों का तमिलनाडु तो तमिल तमिलनाडु के सारे इम्पोर्टेंट है कौन कौन से एक तो मुद्दू मलाई जब भी मलाई आएगा तो कहाँ हो जाएगा तमिलनाडु में और जब भी शोला आएगा तो कहाँ पर हो जाएगा केरल में मुद्दू मलाई दूसरा था मुखोर्ती मोस्ट इंपोर्टेंट है मुखोर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है ये भी आप लोग तमिलनाडु में और गेंडी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है गेंडी नेशनल पार्क तो गेंडी नेशनल पार्क भी कहाँ पर आप लोगों का तमिलनाडु में उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार आप लोगों को पता ही है वहीं पर पड़ती है तमिलनाडु में तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी कहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है आप लोगों का त्रिपुरा तो त्रिपुरा में एक ही आप लोगों का राजबरी तो आप लोग या तो बाइसन भी याद रख सकते हैं फिर राजबरी याद रखिए तो राजबरी नेशनल पार्क आप लोग का त्रिपुरा में उसके बाद क्लाउडेड लियोपड़ तो क्लाउडेड लियोपड़ नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है त्रिपुरा में अब देख लेते हैं यूपी में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क नेक्स्ट आप लोग का उत्तर प्रदेश में आता है आप लोगों का कौन सा गंगोत्री नेशनल पार्क उसके बाद आप लोगों का जाएगा गोविंद पशु विहार भी, भी कहाँ है उत्तराखंड में नेक्स्ट आप लोग का आ जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर पड़ते हैं उत्तराखंड में ही पड़ते हैं नेक्स्ट आ जाएगा आपका नंदा देवी तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर आप लोगों का उत्तराखंड में हो जाएगा और राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर अगर पूछे साइलेंट वैली कहाँ पर है तो आप बता देना केरल पर अगर वैली ऑफ फ्लावर पूछे तो आप लोगों का कहाँ हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा और पिन वैली नेशनल पार्क हो जाएगा आप लोगों का हिमाचल प्रदेश तो तीनों वैली याद रखना आप अगर पूछे सियरा वैली तो सियरा वैली एक पड़ जाएगा आप लोगों का वेस्ट बंगाल में भी अभी आएगा वेस्ट बंगाल का भी आप लोगों को बता देते हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं एक तो याद रखना आप लोग गोरूमरा नेशनल पार्क बक्सा नेशनल पार्क नेक्स्ट आता है आप लोगों का न्यूरा वैली आ गया न्यूरा वैली नेशनल पार्क तो वैली वाले चारों याद रखने अगर पूछे न्यूरा वैली नेशनल पार्क तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क पूछे तो आप लोगों का जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा साइलेंट वैली वाला आप लोगों का कहाँ पर हो जाएगा ये आप लोगों का केरल में हो जाएगा और जो न्यूरा वैली है जो न्यूरा वैली नेशनल पार्क है ये आप लोगों का कहाँ पर हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा उसके बाद याद रखना सिंगा लीला तो सिंगा नेशनल पार्क भी कहाँ पर आप लोगों का वेस्ट बंगाल में तो ये आप लोगों के वेस्ट बंगाल के थे उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक दो नेशनल पार्क हो रहा है जल्दापारा और सुंदरबन तो आप लोग ऑप्शन सही बता दोगे बाकी जल्दापारा नेशनल पार्क भी आप लोगों का कहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है उसके बाद ये सारे नेशनल पार्क थे अगर आप लोग इसका पेडेप चाहते तो पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगला टॉपिक पर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए जल्दी से अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू